फ्रेंड्स, ये वो खाई है जिसमें उस दौर में पानी भरा करते थे। ये कुछ रास्ते हैं, आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं, जो भी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। ये है वो पॉइंट जहाँ से इस झरने में पानी आया करती थी, यही है हौजे शमसी। जब बरसात के टाइम ओवरफ्लो हो जाया करती थी, ज़्यादा भरा जाया करती थी वो तालाब, तो उस तालाब का जो पानी है यहाँ पे इसके द्वारा इसमें एंटर किया करती थी इस झरने में, और वहाँ से ये पानी आप देख सकते हैं इस तरीके। हेलो दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको दिल्ली के जहाज महल, जो उस दौर में लोधी वंश में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल जो है मुग़ल दौर में भी किया गया और इसका इस्तेमाल एक सराय के रूप में किया गया। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ मुग़ल काल का झरना, जिसे गयाजुद्दीन ने बनाया, जो औरंगजेब के दरबारी थे और उस टाइम दरबार में जो राज दरबार के लोग थे वो यहाँ एक पिकनिक का इस जगह को यूज़ किया करते थे और यहाँ पे आया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये है हौजे शमसी जिसे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1230 में बनाया था, और उसका मकसद ये था कि पानी को इकट्ठा करना और फिर उसका इस्तेमाल करना। तो ये उस दौर में उन्होंने ये तालाब जिसका नाम है हौजे शमसी, वो इन्होंने इस तालाब को बनाया था। तो और इसी के किनारे एक जहाज़ महल है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर चलता हूँ आपको उस जहाज़ महल की तरफ। आप यहाँ से देख सकते हैं दूर से वो जहाज़ महल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करीब से दिखाता हूँ आपको जहाज़ महल और इसके बारे में जो इसकी हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बाहर से जो जहाज़ महल है इसका जो व्यू है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उस दौर में लोधी वंश के दौर में इसे बनाया गया था, और इसमें बाहर से देखें तो एक दो और यहाँ पे तीन गुम्बद दिखाई दे रहा है, और जो इसमें जो उस दौर में कलाकारी जो की गई थी आप उसका नमूना यहाँ देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको अंदर से दिखाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और अंदर से मैं दिखाता हूँ जहाज महल और बताता हूँ इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये है जहाज़ महल का गेट जिससे अभी हम अंदर एंट्री करने वाले हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, और लाल बलुए पत्थर का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और इधर आप मैं दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कुछ जालीदार दरवाज़े बनाए गए हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं लेकर चलता हूँ आपको अंदर की तरफ, और यहाँ से एंट्री है, और अगर यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हैं छत में जो डिज़ाइन है किस तरीके से उस दौर पे डिज़ाइन की गई थी, और ये एक छोटा सा गुम्बद है, और ये कुछ डिज़ाइन यहाँ दीवारों पे। तो यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के साथ सामने वो मस्जिद बनाई गई है और इसी के अंदर, और इस पे एक गुम्बद है, दूसरी गुम्बद ये है, और यहाँ पे ये इसकी डिज़ाइन है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू जहाज़ महल का। अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ तो इधर से भी आप देख सकते हैं, और अगर मैं बात करूँ इधर से दिखाने की तो आप इधर भी देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे इसमें रूम टाइप के बनाए गए हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात करूँ इसकी हिस्ट्री की, दोस्तों ये जहाज़ महल को बनाने का मेन मकसद ये था, और इसे जहाज़ महल के नाम से इसलिए जाना जाता था फ्रेंड्स, क्योंकि इसके चारों साइड जो है एक काफ़ी गहरा गड्ढा है और खाई है, जिसमें पूरी तरफ से पानी इसमें भरी जाती थी इस खाई में, और उस खाई में पानी भरने के बाद ये अगर रात को दिखता था तो ये एक जहाज़ की तरह तैरता हुआ उस पानी में दिखता था। तो उसी वजह से इसका जो नाम है उस दौर में जहाज़ महल रखा गया, और इसे जो यूज़ करने का मकसद मेन यह था कि इसमें चाहे इराक से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, मोरक्को से जो भी लोग यहाँ आते थे उनके ठहरने का, एक तरह से ये सराय था उनके ठहरने का, शाही तरीके से खाने का इंतज़ाम यहाँ किया जाता था। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से यही वो जहाज़ महल है, और इसे एक सराय के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका जो निर्माण है वो लोदी वंश के काल में हुआ। उसके बाद इसमें जो थोड़ी बहुत मरम्मत की गई वो बहादुर शाह द्वितीय और अकबर द्वितीय के शासनकाल में हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा करीब से आपको इस जहाज महल के बारे में दिखाता हूँ और समझाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने अभी इसकी इसमें से एंट्री की है और आप देखें तो किस तरीके से इसे काफ़ी भारी भारी पत्थरों से बनाया गया है। तो अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे एक रूम्स टाइप के बनाए गए हैं जो बाहर से लोग आते थे यहाँ पर दरगाह की ज़्यारत करने और उनके दरगाह की ज़्यारत करने और घूमने के लिए जो भी लोग यहाँ आते थे बाहर से उनका इंतज़ाम इस सराय में किया जाता था। और ये देखे तो सामने ये एक मस्जिद है छोटी सी, जिन्हें इबादत करना होता था उस टाइम वो यहाँ आकर इबादत किया करते थे। आप देख सकते हैं मस्जिद का द्वार है और अगर मैं थोड़ा करीब से आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है और ये उस मस्जिद का पूरा दीवार है, दरवाज़ा है मेन। और यहाँ पे उस वक्त इमाम साहब नमाज पढ़ाया करते होंगे और अंदर से देखे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से है। और ये चारों तरफ से देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का है। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो इस जहाज़ महल में ये वो एक रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है। फ़िलहाल अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है तो अभी ऊपर जाना अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ ऊपर गुंबद देख सकते हैं किस तरीके से उस गुंबद को डिज़ाइन किया गया है। तो टोटल यहाँ पे 5 गुंबद है, ये मस्जिद के ऊपर 2 गुंबद है और ये मस्जिद है उस दौर का। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ इसे जहाज़ महल क्यों कहा गया और वो उस खाई को दिखाना चाहता हूँ जिस खाई में उस दौर में पानी भर दिया करते थे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी एंट्री है और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वो खाई है जिसमें उस दौर में पानी भरा करते थे। और ये चारों तरफ से ऐसा बना हुआ है और सी सेक्शन की तरफ बना हुआ है। तो आप देखें तो उस दौर का ये जो लोहा है काफ़ी मजबूत है, जो अभी तक जंग तो लगा है लेकिन आप करीब से देखें तो काफ़ी मजबूत है। तो इस गड्ढे में जो आप देख रहे हैं इसमें चारों तरफ से उस दौर में पानी भर दिया जाता था और ये पानी जो है हौजे शमसी तालाब से होकर आती थी और यहाँ पे भरा जाता था। तो अगर आपको मैं इधर दिखाना चाहूँ तो ये उसका पूरा व्यू है। और दोस्तों, ये कुछ रास्ते हैं आप देख सकते हैं जो नीचे की तरफ जाते हैं, जो अभी बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो आपको मैं अगर इधर दिखाना चाहूँ तो ये वो पूरा बाहर का नज़ारा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अगले पॉइंट्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये उस जहाज़ महल के बाहर का जो व्यू है आप देख सकते हैं किस तरीके से। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यही वो खाई है, गड्ढा है जिसमें पूरी तरीके से पानी भरा जाता था और चारों साइड से। और उस दौर में ये जो महल है वो एक शिप की तरह दिखाई देती थी पानी में तैरता हुआ, तब से इसका नाम जहाज़ महल रखा। जहाज़ का मतलब है शिप और महल का मतलब है पैलेस। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी यहाँ पे कूड़ा कचरा भर चुका है। और ये बाहर का इसका व्यू है जहाज़ महल का। फ्रेंड्स, मैंने एंट्री की है अभी आपको मुग़ल काल के झरने में, जो कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं वो है मुग़ल काल का झरना जो वहाँ उस 3 होल से पानी होकर आया करता था। जो हौज शमसी जब ओवरफ्लो बरसात के टाइम हो जाया करती थी तो वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से वहाँ पे पानी आया करती थी और उस होल जो आप दिख रहे हो वो 3 होल उससे पानी होकर उस हौज में इकट्ठा होकर उस पतली से झरने पतली से जो नाली है उसके थ्रू पानी होते हुए यहाँ पे इस हौज में आया करती थी, जो उस दौर का इसे झरना माना गया था। और इसे एक पिकनिक के स्पॉट में मुग़ल काल के जो दरबारी थे, जो शाही दरबारी लोग थे वहाँ, वो यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आया करते थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ बीच में एक छोटा सा गुंबद टाइप का काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन का बना हुआ है
और इसमें काफ़ी सारे पिलर्स भी हैं। तो आप देखें तो वहाँ पे छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं, जो उस टाइम वो यहाँ आया करते थे और अपनी जो छुट्टियाँ हैं वो शायद यहाँ पे आकर बिताया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको करीब से दिखाता हूँ इसके बारे में और बताता हूँ इस झरने को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है मुग़ल एरा, जिसे आप मुग़ल एरा झरना भी कह सकते हैं। मुग़ल दौर में इस झरने को बनाया गया था। तो किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शाही ख़ानदान थे वो अपने यहाँ पे एक तरह से घूमने फिरने आया करते थे और एक इस जगह को पिकनिक स्पॉट की तरह भी इस्तेमाल किया करते थे। तो वो जो झरना है आप देख सकते हैं वहाँ पर तीन आपको छोटी छोटी होल्स नज़र आ रही होंगी, गड्ढे, उसमें से वो पानी आया करता था उस गड्ढे में। और उस गड्ढे में भरने के बाद वो पानी अगर उसमें स्टोरेज ओवरफ्लो होता था तो वो पानी जो है यहाँ पे आया करता था और यहाँ इकट्ठा हो जाया करता था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इस झरने को। और वहाँ जाने से पहले आप देख सकते हैं ये सामने एक छोटा सा कुंभ टाइप का बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा करीब। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मुग़ल टाइम का झरना। आप देख सकते हैं इसमें अभी जो पानी है ये सड़ चुका है पानी और ये गंदा हो चुका है। और इस झरने को जैसे कि मैंने बताया 1700 ईस्वी में नवाब गाज़ीउद्दीन ने कराया था, जो मुग़ल बादशाह और औरंगज़ेब के दरबारी थे। और दोस्तों, ये उस दौर में पिकनिक स्पॉट की तरह इन्हें यूज़ किया जाता था। और जो मुग़ल दौर के जो लोग थे यहाँ आया करते थे अपनी छुट्टी बिताने के लिए। और अगर आप देखें तो इसमें जो पानी वो तीन होल है, उस होल से पानी उस गड्ढे में आती थी और उस गड्ढे से यहाँ पे ये पानी होकर, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं यहाँ से ये पानी इधर से निकल के यहाँ पे आपको होल दिख रहा है, इसमें यहाँ पे जमा हो जाया करती थी। और यहाँ पे शायद कुछ कब्रे टाइप के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ ये झरना और मैं बताता हूँ इसमें जो पानी है वो कहाँ से आता था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पानी है, मैंने अभी हौज़े शमसी आपको दिखाई है, वहाँ से इसमें पानी आया करता था। वहाँ दोस्तों, इसमें बरसात के वक्त जब हौज़े शमसी का पानी ओवरफ्लो हो जाया करता था तो उस दौर में यहाँ पर पानी आया करता था। तो वो पॉइंट मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर हौज़े शमसी का पानी यहाँ आया करता था और उस होल के ज़रिए इस झरने में पानी भर जाया करता था। तो आप इधर से, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ छोटे छोटे रूम्स कमरे बने हुए हैं, जो उस दौर में मुग़ल दौर में यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए शाही ख़ानदान आया करती थी। और आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इसमें जो पिलर्स बने हुए हैं और किस तरीके से ये पिलर्स को डिज़ाइन किया गया है, ये नंबर्स ऑफ पिलर्स यहाँ पे इकट्ठे करके। और ये ऊपर देख सकते हैं इसका छत है जो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, करीब से दिखाता हूँ हौज़े शमसी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है वो पॉइंट जहाँ से इस झरने में पानी आया करती थी, यही है हौज़े शमसी। जब बरसात के टाइम ओवरफ्लो हो जाया करती थी, ज़्यादा भरा जाया करती थी वो तालाब, तो उस तालाब का जो पानी है यहाँ पे इसके द्वारा इसमें एंटर किया करती थी इस झरने में। और वहाँ से ये पानी आप देख सकते हैं इस तरीके से इस गड्ढे से होकर इसमें नीचे बना हुआ है, तीन होल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे उस होल से होकर इस हौज में यहाँ पर भर जाया करते थे। और इस हौज से होकर उस पानी को आप देख सकते हैं वो सामने वहाँ होकर, और मैंने भी दिखाया था आप पीछे वो जो हौज है उसमें भर जाया करती थी। तो अगर आपको मैं दिखाऊं तो हौज शमसी का जो पानी है यहाँ से होकर, और मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ से होकर ये जो तीन होल आपको दिख रहे हैं, इस होल से होकर इस हौज में पानी इकट्ठा होता था उस दौर में। और उसके इस हौज के ओवरफ्लो होने के बाद वो जो पानी है इस छोटे नाले से होकर, आप देख सकते हैं ये सामने ये होल है इसमें जाया करती थी। और उसके बाद ये जो पानी है इस हौज में इकट्ठा हो जाया करती थी। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे वो पानी आकर इकट्ठा हो जाती थी। और उस टाइम मुग़ल दौर के जो दरबारी थे औरंगजेब के गयाजुद्दीन, उन्होंने इसे बनाया था, ये एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी इस्तेमाल किया करते थे वो लोग। और आप इसकी चारों बगल देखें तो इस साइड में ये कुछ घना जंगल है, और इधर देखें तो ये कुछ इमारत बन चुकी है जो अब ये बीच में है। तो अगर आप यहाँ इस एरिया में आना चाहते हैं तो आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से 1 किलोमीटर है वो यहाँ आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको थोड़ा ये करीब से दिखाना था तो आप देख सकते हैं ये मुग़ल टाइम के जो झरना है बना हुआ, उसके अंदर का ये नज़ारा है। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बैठक बनाई गई थी उस दौर में, जो यहाँ पे शाही दरबार के लोग आकर बैठक किया करते होंगे। और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो जगह है पिकनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और ये सामने देख सकते हैं वो झरना है, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। और इसका जो फ्रेंड्स मेन दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं ये वो मेन दरवाज़ा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में नए जर्नी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।